पब्लिक टीवी आपकी आवाज। सर ये नितिन गुप्ता जी से मेरा झगड़ा हुआ है, सुबह इन्होंने मेरे साथ हाथापाई करी है। मैं सुबह जो कि वैश्य समाज के अध्यक्ष हैं और मैं सुबह लालबाग काली जी के मंदिर पर दर्शन करने गया था। मैं मंदिर के ऊपर जा ही रहा था दर्शन करने, ये चार पांच जनों के साथ आए और इन्होंने मेरे साथ हाथापाई करी। क्योंकि क्या कारण था? सर ये मुझसे ऐसा हुआ था, अभी कुछ दिन पहले सभापति कमेटी की तरफ से विनोद अग्रवाल जी के समर्थन में जैन धर्मशाला में एक मीटिंग रखी गई थी। जब मीटिंग पूरी तरीके से निबट चुकी और हमेशा ये साथ में आते हैं, हम इन्हें मंच देते हैं अपनी मीटिंगों में, वहाँ पर जब सब काम निबटने लगे और विनोद जी जाने लगे, विनोद जी ने पूछा कि कोई दिक्कत परेशानी कोई हो तो मुझसे शिकायत तो बताइए। तो मेरे फादर ने उनसे कहा कि विनोद जी यहाँ बाजार में लाइटें वगैरह नहीं है, आप लाइटें वगैरह दिखवा दीजिए। मैं उस वक्त वहाँ नहीं था, मगर मेरे पिताजी से इन्होंने कुछ अपशब्द बोले। जब मुझे पता लगा मैंने इनको फ़ोन करके कहा कि मैंने भाई साहब आप कौन होते हैं, विनोद अग्रवाल जी कहें, तब इन्होंने फ़ोन काट दिया। मगर तब की कुन्नस इन्होंने मुझसे आज निकाली, जब मैं वहाँ अकेला था चार पाँच जनों के साथ आके इन्होंने मुझसे हाथापाई करी। आपके कहाँ चोट आई है? सर मेरे आँखों पे चोट आई है, या आँख की इंजरी हुई है, मैंने मेडिकल कराया, आँख में इंजरी बताई गई है, उसके अलावा गुम चोटे भी हैं। आपने इस मामले को लेकर कोई शिकायत की है कहीं? जी मैंने मुगलपुरा थाने में तहरीर दी है। क्या चाहते हैं आप? मैं चाहता हूँ मुझे इंसाफ मिले। सर मेरे साथ मारपीट की गई है, मैं कोई गली का गुंडा नहीं हूँ, व्यापारी हूँ, और आज इन्होंने करी है, कल तो कोई भी कर देगा व्यापारी के साथ। बदतमीजी। आपके साथ आपके व्यापार संगठन का भी सहयोग है? जी पूरा सहयोग है, सभापति कमेटी मेरी पूरी साथ में गई थी। सभापति कमेटी के महामंत्री भी हैं। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।